अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू खान्स किचन। आज की रेसिपी है क़ीमा पुलाव रेसिपी। आइए देख लेते हैं इसकी रेसिपी, मेथड और इंग्रेडिएंट्स। बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी शेयर करें। आप लोग भी बना के कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे 350 ग्राम्स क़ीमा ले ली हूँ, वॉश करके रख ली। अब मैं एक कुकर में ये क़ीमा ऐड कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़े स्पाइसेस ऐड करूँगी, लाइक 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा, 2 लौंग, 1 इलायची और 1/2 दालचीनी। अब ये स्पाइसेस मैं कुकर में क़ीमे के साथ ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 250 ग्राम्स कर्ड ले ली, उसको अच्छे से बीट करके रख ली। अब वो कर्ड भी ये जो स्पाइसेस ऐड करे थे क़ीमे में उसमें ऐड कर लूँगी। बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है। अब यहाँ पे मैं फ्राइड अनियंस है, जो हम बिरयानी के लिए ऑयल में फ्राई करते हैं ना, वैसे मैं गोल्डन ब्राउन ये अनियंस फ्राई करके रख ली थी। अब इसको क्रश करके ऐड कर ले रही हूँ अनियंस। उसके बाद जो फ्राइड करे हुआ जो ऑयल बचता ना हमारा, वो यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल स्पून्स ऑयल है, वो भी ऐड कर ले रही हूँ मैं। उसके बाद मैं इसको अच्छे से ये यखनी को मिक्स कर लूँगी। अब उसके बाद यहाँ पे मैं 1/2 ग्लास वाटर ऐड कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे 3 to 4 विजिल्स के लिए रख दूँगी, ताकि क़ीमा अच्छे से गल जाए और मसाले पूरे जो भी ऐड करे थे वो अच्छे से भुन जाए। अब यहाँ पे मैं 1 विसल में वाटर ऐड कर ली, 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा, लौंग, इलायची ऐड कर ली थी। यहाँ पे 2 ग्लास राइस वॉश करके रख ली मैं। देखें यहाँ ऑलमोस्ट पानी रेडी हो चुका है, अच्छे से उबाल आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे ये राइस जो वॉश करके रख ली थी ऐड कर लूँगी। मैं यहाँ पे 2 ग्लास राइस ली थी, उसमें 3 ग्लास वाटर ऐड कर ली। अब इसको अच्छे से कुक हुए तक मैं कुक कर लूँगी। आपको ये रेसिपी फुल देखे तो ही समझ में आती, पूरी रेसिपी स्किप ना करें, अच्छे से पूरा देखिए। ये ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं राइस, ये जो यखनी 3 to 4 विजिल्स हुए थे। उसके बाद देखिए पानी भी सूख चुका है, अच्छे से तेल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते काट के चॉप करके वॉश करके रख ली थी, वो भी ऐड कर लूँगी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेके यहाँ पे जो राइस पकने के लिए रखे थे उसके अंदर ये क़ीमा जो भी यखनी है वो पूरी ऐड कर लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। अब यहाँ पे ये पूरा कुक हुए तक इसको अच्छे से पका लूँगी। देखिए अच्छा सा उबाल आ चुका है इसमें। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अलग से फिर 350 ग्राम क़ीमा ले ली थी, उसमें मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, गरम मसाला डाल के तेल डाल के इसको अच्छे से फ्राई करने के लिए कुकर में लगा दी थी। ये अलग से फ्राई करना है फ्रेंड्स, बहुत लेंदी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, बोल के मैं शॉर्ट में बता दी वो आपको। अब यहाँ पर देखिए पानी सूख चुका है, इस दम पर रखने के लिए मैं यहाँ पर 2 टी स्पून घी ऐड कर रही हूँ। घी डालने से अच्छी शाइन आएगी राइस में और अच्छा सा खुशबू आएगी, टेस्ट भी अच्छा आता है। अब देखें यहाँ पे क़ीमा अच्छा कड़क हो गया है, देखें यहाँ पे दम भी हो चुकी है हमारी क़ीमा पुलाव। अब मैं इसको सर्व कर लूँगी। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे क़ीमा भी अच्छा कड़क हो चुका है। ये अलग से बनाना है फ्रेंड्स, 350 ग्राम स्टार्टिंग में लेना है, अपने को यखनी के साथ खाने में डाल के पकाना है। ये अलग से फ्राई करके ऊपर से गार्निशिंग के लिए बनाने का है, और ये ऊपर से जो क़ीमा डालते ना वो ही बहुत ही टेस्ट लाएगा ये रेसिपी में, इसलिए इसको अलग से फ्राई करके डालने का है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं एक बॉल में मैं क़ीमा पुलाव ऐड कर ली, ऊपर से ये क्रिस्पी फ्राइड क़ीमा ऐड करी। यहाँ पर थोड़े फ्राइड ऑनियंस और धनिया के पत्ते और पुदीना के पत्ते ऐड कर ली मैं। देखिए फ्रेंड्स रेसिपी बहुत ही यम्मी और कलरफुल है, खुशबू भी बेहतरीन आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, रेसिपी लाइक करें।